रियासती हुकूमत सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर के लिए पूरी तरह से सरगर्म है। इनहदामी कार्रवाई को तेजी के साथ मुकम्मल किया गया और मलबे की सफाई भी की जा रही। ताहम सेक्रेटेरिएट की नई इमारत की तामीर से इम्कान है कि मशहूर NTR गार्डन की कुछ अराजी हासिल कर ली जाएगी। कहा जा रहा है कि NTR गार्डन जो मुजवजा नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स से मुतसल है, उसकी कुछ अराजी को सेक्रेटेरिएट की तामीर के लिए हासिल किया जाना जरूरी है। अब जबकि सेक्रेटेरिएट की नई इमारत के मंसूबे और डिजाइन को हुकूमत की जानिब से कतईयत दी जा रही, हुकूमत समझा जाता है कि 36 एकड़ अराजी पर फैले हुए NTR गार्डन की कुछ अराजी हासिल करने पर गौर कर रही, ताकि सेक्रेटेरिएट के नए डिजाइन के मुताबिक इसमें तमाम तर खसूसियात को शामिल रखा जाए। मंसूबे के मुताबिक NTR गार्डन की कुछ अराजी को नए सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के रूबरू लैंडस्केप गार्डन की तैयारी और सड़कों की तौसी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ताहम NTR घाट पर इसका कोई असर नहीं होगा। आला सरकारी जराए ने शनाख्त जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि नए सेक्रेटेरिएट के डिजाइन को चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की जांच कई अदवार की मशावरत और तबादला ख्याल के बाद मंजूरी दे दी गई है। इन इजलासों में NTR गार्डन की कुछ अराजी के हुसूल पर भी तबादला ख्याल हुआ है। कहा जा रहा है कि NTR गार्डन और तेलंगाना सेक्रेटेरिएट के दरमियान जो सड़क है वो तंग है, इसमें तौसी की जरूरत महसूस की जा रही। ये ख्याल किया जा रहा है कि अगर ट्रैफिक की आमद व रफ्त को किसी रुकावट के बगैर जारी रखना है तो सड़क की तौसी जरूरी है। ऐसा करने NTR गार्डन की कुछ अराजी का हुसूल जरूरी हो जाएगा। नए सेक्रेटेरिएट का जो डिजाइन तैयार किया गया है, इसमें चीफ मिनिस्टर के काफिले के लिए अलहदा रास्ते की गुंजाइश रखी गई है और इसके लिए इजाफी जमीन की जरूरत होगी। NTR गार्डन साबिक चीफ मिनिस्टर NT रामाराव की याद में कायम किया गया था और गुज़िश्ता 2 दहों से ये एक अहम तफरीही मरकज बना हुआ है।